आज अपना सेकंड पोर्शन शुरू हो रहा है एटमोलॉजी शब्द बोध जमरफियोलॉजी। ठीक है जी, एटमोलॉजी तीजा चैप्टर है। सब तो पहले देखो, कहंदा भाषा दी इकाई केड़ी हुंदी है? वाक। है ना, भाषा दी सब तो वड्डी इकाई केड़ी हुंदी है? वाक। जे आप वाक दे खंड कर दिए तो की बन जाएगा? शब्द बन जाएगा ना। रमन चंगा मुंडा है, रमन अड कर दिए, एक अड कर दिए, चंगा अड कर दिए, मुंडा अड कर दिए, विचो शब्द निकल गए। कहंदा जे शब्दां दे भी खंड कर दिए तो धुनिया बन जाएगियां, र प्लस म प्लस न, है ना। फिर कहंदा व्याकरणिक वर्गां दी दृष्टि तो पंजाबी शब्दां नूं किन्नियां श्रेणियां विच वंडिया गया? अठ। पार्ट्स ऑफ स्पीच किन्ने हुंदे ने? हाँ मीनू रानी जी, गुड इवनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच किन्ने हुंदे ने? अठ। नाव पड़नाव, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधक योजक ते विस्मिक। ठीक है, एक बारी मैं स्क्रीन दी तरफ तो नहीं बोल रही, मैं अपनी तरफ तो बोल रही है। सब तो पहला कहना नाव, व्हाट यू मीन बाय नाउन? नेम ऑफ अ पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। किसे वस्तु जगह स्थान दे नाम नु की कहने हैं? अपन नाव कहने हैं। एक बारी जिन्ना भी एटमोलॉजी का पार्ट है मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सारी इंट्रो दे देनी हूँ। फिर अपने को पड़नाव, पंजाबी दे विच इहनू प्रोनाउन कहने, हिंदी विच इहनू सर्वनाम कह देने, इहनू आपां संज्ञा कहिंदे सी। ठीक है, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जेड़ा नाव की जगह ते वरत्या जावे उहनू आपां की कहने हैं? पड़नाव कहने हैं। ठीक है, जेड़ा नाव की जगह ते वरत्या जावे उहनू की कह देने हैं? पड़नाव। जिवें सीता ने आपकी मां नू कहा कि वह कल दिल्ली जाएगी, सीता की जगह ते ओह शब्द आ गया, वह की हो जाएगा? पड़नाव। उस तो बाद अपने को आ जाता है विशेषण। ठीक है, विशेषण की होंगे? जेड़ा नाव ते पड़नाव की विशेषता दसे उन्हें आप विशेषण कहने हैं। जिवें अंब मिठा है, मिठा कौन है? हुन अंब है ना, अंब की है? नाउन। नाउन की विशेषता दसी हूं की हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इन इंग्लिश च आप एडजेक्टिव कह दें। फिर उस तो बाद है क्रिया। क्रिया का मतलब एक्शन, डूइंग वर्ड। ठीक है, खाना पीना सुनना तुरना फिरना बोलना पढ़ना लिखना, यह हूँ क्रिया। बेसिकली दो भागा च होंगी है, सकर्मक क्रिया ते अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर रूप दे आधार से वंड दे आधार से करना होवे तां बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं, जिवें सहायक क्रिया होगी, ससरंगी क्रिया होगी, इस तरह। ठीक है, फिलहाल इन्ना ही। क्रिया की होंगी है? डूइंग और एक्शन वर्ड, किसी काम का करना, खाना पीना सुनना तुरना फिरना बोलना पढ़ना लिखना। उस तो बाद है क्रिया विशेषण, जेड़ा क्रिया की भी विशेषता दसे, जिवें पखा हौली हौली चलता है। हुण चलना की हो गया? क्रिया, है ना। कौन चलता है? होल। किवें चलता है? हौली हौली। जो किवें का जवाब मिले अपन हौली हौली चलता है। ठीक है, चलना की विशेषता दसी जाता हौली हौली। हर कोई घड़ी मुड़ी पानी पी रहा है, पीना तो क्रिया हो गया, घड़ी मुड़ी मतलब वार वार, उनकी विशेषता होगी। उस तो बाद है संबंधक। इंग्लिश के आप कह दें प्रेपोजिशन कह दें। ये अपने को पांच नंबर वाला एडवर्ब हो गया सी। ठीक है जी, उस तो बाद है अपने को संबंधक प्रेपोजिशन। ठीक है जी, इट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। जेड़ी नाव ते पड़नाव दे विचकार रिलेशन नू इंडिकेट करदी है उहनू आपां प्रेपोजिशन कहिंदे आ। बेसिकली ये दो तरह दी हुंदी है, पूरन अपूरन ते दुबाचरी। इहनू भी करन दा बहुत अच्छा वे है, ट्रिक्स दे नाल ही करना होवेगा। उस तो बाद नैक्सट की हुंदा? ये नाव जां पड़नाव तो बाद ही आंदी हुंदी है। जिहड़ा संबंधक है नाव जां पड़नाव तो बाद आंदा है, जिवें राम ने सोटी नाल सप्प मारिया। राम ने टू प्रेपोजिशन होगी, सोटी नाल नाल विद प्रेपोजिशन होगी। नाउन जा पड़नाउन तो बाद ही आता है। ठीक है, प्रोनाउन तो पड़नाव तो उसने, उस प्रोनाउन हो गया ना पड़नाव, उस तो बाद ने आ गया, उस संबंधक हो जाएगा। नेक्स्ट है योजक, जेड़ा वाकां नू जोड़न का काम करता है। इंग्लिश दे विच इहनू कंजंक्शन कह देने हैं। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग वर्ड। उस तो बाद विस्मिक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जेड़ा हैरानी हाव भाव शो कराउंदा है अपने को। ठीक है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंग्लिश एटमोलॉजी? ठीक है, टोटल्स आर देयर इन एट। ठीक है, टोटल अठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे अपने को, नाव बड़नाव विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण संबंधक योजक ते विस्मिक। ये कुछ मैं छोटे छोटे तुहानू बेसिक जे मैटर दसे है। पाठ अगो शुरू होगा, चैप्टर अगो हजे शुरू होगा। उस तो बाद कहना नाव, हुण आपां करन लगे हैं नाव। बड़े ध्यान नाल वेखना, टैसट अज ही ले लांगी। ठीक है, चैप्टर का टेस्ट तुसीं अज ही करना होगा, पूरी एनर्जी नाल करना होगा, एनर्जैटिक वे नाल करना होगा। सिर्फ 10 मिनट मैनू सुनना है। कहिंदा व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, नाव की हुंदा है?
नेम ऑफ अ पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। किसे वस्तु जगह स्थान दे नाम नु की कहने हैं नाव। ठीक है, पूनम, मीनू, रीत, जोबन, ये सारे की ने नाम ही ने, ब्लू स्टार इंस्टीट्यूट, मोनिका, ठीक है, नाउन हो गया। कहंदा किसे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि दे नाम नु की कहने हैं, सी नाव कह देने हैं, जिवें रवि, कमरा, जलंधर, दुध, पुस्तक, खुशबू आदि। नाव दिया किस्मा वंड दे आधार से जेडे तुहाडे विचों टीचिंग लाइन वाले हैं उन्होंने ये सारा ही करना पड़ेगा। ठीक है, जेडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने देना होंगे सिर्फ इन्नी गल याद रख लेना, नाव पांच तरह का होंगे। ठीक है जी। हाउ मेनी काइंड ऑफ देयर आर इन प्रो नाउन? देयर आर फाइव काइंड, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, एबस्ट्रैक्ट नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। नाल नाल मैं इंग्लिश च दस दी जावांगी, तुहानू याद करना सौखा हो जाएगा। ते जे वंड दे आधार ते करिए, सब तो पहला कहिंदा अर्थ दे आधार ते वर्गीकरण, ये पांच तरह दा हुंदा है, आम नाव, खास नाव, वस्तुवाचक नाव, इकट्ठवाचक नाव ते भाववाचक नाव। यही सेम चीज मैं इंग्लिश च बोली सी, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्सट्रैक्ट, कलेक्टिव ते मटीरियल नाउन। ठीक है, हुण जिहड़ियां पांच किस्में तुसीं याद किवें रखनी है, इधर देखो, जिहड़ा आम नाव है ना उहनूं जातिवाचक नाव भी कहिंदे आ, ते जिहड़ा खास नाव है उहनूं निजी नाव भी कहिंदे आ। इहनां दे नाम नहीं उल्टे पुल्टे करने। आम नाव जा जातिवाचक नाव, देखो जिहड़ी जाति उह आम ही हुंदी है, बस आम नाव नूं तुसीं जातिवाचक कह देना, जाति आम ही हुंदी, आम जी गल है बस। जिहड़ा खास नाव है उहनूं निजी नाव कहना है, जिहड़ी चीज अपनी खास हुंदी उह अपनी परसनल हुंदी है, जिहड़ी चीज अपनी परसनल होएगी ना उह अपनी खास ऑटोमैटिकली होएगी। तुहानूं कोई भी चीज प्यारी है ना, तुहाडी परसनल है, उह तुहाडे लई उह चीज खास बन जाएगी। बस आम नाव नू जातिवाचक नाव कहांगे, जाति आम हुंदी है, जिहड़ी चीज अपनी परसनल हुंदी है, निजी हुंदी है, खास हुंदी है, ते खास नाव नू निजी नाव कहांगे। उस तो बाद वस्तुवाचक जां पदार्थवाचक नाव आपस दे विच सिनोनिम ने, सिनोनियम्स ने, सेम मीनिंग रखते हैं, इकट्ठ ते समूह आपस दे विच सेम मीनिंग रखते हैं, फिर भाववाचक नाव आ गया। उदा इंग्लिश च बोलिया प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, एबस्ट्रैक्ट, कलैक्टिव ते मटीरियल नाउन। ठीक है जी, अर्थ दे आधार ते ने। बस तुहानू सिंपल क्वेश्चन आए, नाव दीआं किस्मां दसो, तुसीं पंज ही आंसर लाना है, बाकी उलझना नहीं। बाकी टाइपां तां करनियां पैंदियां क्योंकि उहनां दे एमसीक्यूज बनते हैं। हुण मेरियां गल्लां तुसीं बड़े ही आराम नाल ते ध्यान नाल सुनियां ने, इहदे विच्चों ही क्वेश्चन बनणगे। ठीक है, अगे थ्यूरी लिखी हुई हो, मैं तुहानू फिर पढ़ के सुनावांगी। उस तो बाद कहिंदा रूप दे आधार ते वर्गीकरण, परमात्मा ने दो ही रूप बनाए हैं ना, तुसीं क्लास लाई होने हो, जां तां मेल होएगा जां फीमेल होएगा, रब ने दो रूप बनाए है, पुलिंग ते स्त्री नाल। जेड़ा मरदावे दा बोध करावे, सेम एवी लैंग्वेज लिखी हुंदी है, जेड़ा जेड़ा शब्द मरदावे दा बोध करावे वह पुलिंग हुंदा है, जेड़ा जनाने दा बोध करावे वह स्त्री लिंग हुंदा है। ठीक है, स्त्री नाम होएगा। जेड़ा मरदावे दा बोध कराएगा उहनूं पुलिंग कहांगे, जेड़ा जनाने दा बोध करावेगा वह स्त्री होवेगा। रब ने रूप भी दो ही बनाए ने, ठीक है, एक बंदा बनाया ते एक लेडी बनाई है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक मरदावा, एक जनानी है। क्लियर? उस तो बाद ना तुहानू इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आंदे ने, मान लो कवे पहाड़ दा मैनू जेंडर दसो, तुसी किवें दसना, इहनू याद नहीं करीदा हुंदा भी पहाड़ की है, मेज की है, कुर्सी की है, छत की है, तुसी माड़ा जिहा अगे ना शब्द बोल के वेखना हुंदा। जिवें हुण तुसी ऐ कहोगे पहाड़ ते चढ़िया है ना, पहाड़ डिग्गिया है, थोड़ा कहने पहाड़ डिग्गी, थोड़ा जिहा उहनू बोल के वेखना। ठीक है, मैं कहां ठंडा, तुसी ऐ थोड़ा कहोगे ठंडा लगी, ठंडा लग्या, इदां ही कहोगे। जे मैं कहां आसमान, तुसी ऐ थोड़ा कहोगे आसमान चमकी, आसमान चमकिया, उहनूं बोल के वेखना, उत्थों पता लगेगा। कदे भी शब्दां दे विच याद नहीं करना होंदा, क्योंकि जदों हिंदी दा मास्टर ग्रेडर हुंदा है ना, पंजाबी दे मास्टर ग्रेडर बारे मैनूं जानकारी नहीं हैगी, हिंदी दा जदों मास्टर ग्रेडर हुंदा उहदे विच स्पैशल क्वेश्चन बनता है भी इहदा मेल दसो, भी इह ये लिंग है, स्त्री लिंग है जां पुल्लिंग है, एक शब्द, बस उस शब्द तुसी बोल के वेखना है। जे मान लो कवे बादल, बादल दा दसो स्त्री लिंग है कि पुलिंग है, मतलब ये मेल है कि फीमेल है। हुण बादल डिग्या, बादल चमकिया, ऐ थोड़ा कहांगे बादल डिगी, बादल चमकी, नहीं कह सकते ना। तुसी हल्का जे उहनूं अगला एक शब्द जोड़ के नाल बोल के वेखना है। ठीक है, मेज, मान लो मैं कहां मेज दा जेंडर दसो मैनूं, तुसी ये कहोगे मेज बनाया, मेज डिग्या, मेज खड़काया, ऐ थोड़ा कहांगे मेज डिगी, मेज खड़काई, नहीं कह सकते ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। बस तुसी उस शब्द नू बोल के वेखना है, फिर तुसी दस देना भी इहदा जिहड़ा जेंडर है स्त्री लिंग है कि पुल्लिंग है। बाकी हिंट हुंदे है, जे पिछे कन्ना लग्या होवे
तो की हो जाता है मरदाने का बोध कराता है, जे पीछे बिहारी जो सियारी हो, ठीक है जी, बिहारी हो तो स्त्री का बोध करा देंदा, जनाने का बोध करा देंदा। पर एक छोटी जी ट्रिक होंगी है, पर शब्द बोल के देखोगे बहुत सारे शब्द उल्टे पुल्टे भी हो जाते हैं। ठीक है, कच्ची ट्रिक है, पक्की ट्रिक नहीं हैगी। भी जे कन्ना है तो मरदावा, जे सियारी बिहारी है तो जनाना, पर एक कच्ची कच्ची ट्रिक होंगी है। बहुत सारे तो ऐसे भी शब्द होंगे है जिन्हों का सिर्फ मेल होंगे, फीमेल बंदा ही नहीं होंगे। जिमें पानी, पानी का फीमेल नहीं होंगे। हुण पानी मेल है कि फीमेल है, जे मान लो आप पूछना हो तो आज भी पानी दा दसो, पानी पीता ही कहोगे, पानी पीती थोड़ा कहने आप, कदे घरे यूज किया आपा जा अपने बच्चों ने भी पानी पीती, पानी पीती क्या ही नहीं आपा कदे, पानी पीता, पानी मेल है, सिर्फ ओनू बोल के वेखना है। चलो उस तो बाद आप अगली गल ते जाने, मिनती दे आधार ते वर्गीकरण आ जाए। ये भी दो तरह का, आपने सामने सामने चीजा होंगे, जा तो एक होंगी है जा बहु होंगी है ना, सिंगुलर जा प्लूरल। ठीक है, जा तो अपने को एक होगी जब बहुत सारिया हो गया, जे एक तो वाद है, चाहे दो है, तीन है, पांच है, 10 है, 12 है, 15 हजार है, लख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, जिन्या भी बहुत ही होगी। बस जा तो एक वचन होंगी है जब बहुवचन होगी, मिनती के आधार से वर्गीकरण, ये भी दो तरह का। उस तो बाद वरतों के आधार से साधारण रूप जा सीधा रूप, नेक्स्ट है संबंध की जा तिरछा रूप। ठीक है, हुण बड़ी मजेदार समझण वाली गल है, इहदे विच साधारण रूप जा तिरछा रूप ते दूजा संबंध की रूप जा तिरछा रूप। हुण इहदे विच वेखो तुम्हें तुसीं किवें पछाण करनी होएगी संबंध की। मैं तुहानूं पिछे आ देखो शब्द विखाया सी ना, ते संबंधक आ देखो, ताइयों मैं सारिआं दी इंट्रो दित्ती है। संबंध की, संबंधक का मतलब होंदा प्रैपोजिशन। इहदी डेफिनेशन करिए, लंबी डेफिनेशन करिए, इट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। जिहड़ी नाव ते पड़नाव दे विचकार रिलेशन नूं इंडिकेट करदी है उहनूं प्रैपोजिशन कहिंदे आ। पर एड्डी लंबी डेफिनेशन ना पेपर च आउंदी नहीं होंदी, सिर्फ याद रखना होंदा रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, नाउन दी डेफिनेशन आपां याद करनी होंदी नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन दी करनी होंदी रिप्लेसिंग वर्ड, जिन्हां ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना उन्हां नूं ये भी फायदा हो जाएगा। विशेषण दी होंदी है डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्रिया दी होंदी है डूज एक्शन वर्ड। क्रिया विशेषण का होंदा ड्रेसअप करना, सोना बना देना। ठीक है, संबंधक का होंदा रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, आई एम आल्सो इंग्लिश टीचर, मैं इंग्लिश टीचर भी हाँ। ठीक है, योजक का मतलब होंदा ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है, जेडे बच्चे तुहाडे विचों मेरे को पढ़े हुए हैं उन्होंने तो पता ही है। विस्मिंग का होंदा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसिस। ठीक है, उदा ही देखो संबंधक, तुहानू पिछे ताइयो मैं पहला थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इंट्रो दिती सी सारी। संबंधक का मतलब हो गया प्रेपोजिशन। हुण इत्थे भी आया ना, आ देखो लिखिया संबंध की रूप, वरतों के आधार से वर्गीकरण के संबंध की रूप लिखे। बड़े ही ध्यान नाल समझनी मेरी गल। जे तुहानू मान लो पूरा वाक देता है ना, पूरे वाक दे विच तुहानू कोई प्रेपोजिशन नजर आती है ना, प्रेपोजिशन होंदी है जिवें इन, एट, ऑन, बिहाइंड, बिलो, इंडर, बिटवीन, ये सारिया प्रेपोजिशन होंगे। हुण मान लो मैं उदाहरण बोलती हाँ, कुत्ता भौंकिया, एक शब्द आया मैं बोलिया, दूजा मैं बोलिया कुत्ते ने भौंकिया, ने टू प्रेपोजिशन लगी हुई आ गई ना। जे मैं कहां कुत्ते ने भौंकिया, जे मैं कहां कुत्ते ने भौंकिया तो यह संबंधकी रूप हो गया जा तिरछा, क्योंकि विच प्रेपोजिशन लगी हुई है। जे मैं कहां कुत्ता भौंकिया जा कुत्ता भौंक रहा है ना, इन्दे विच कोई प्रेपोजिशन नहीं ना, कुत्ता भौंकिया, बस सिर्फ एक सिंपल टेंस है, तो फिर यह साधारण रूप हो गया। साधारण रूप जा सीधा रूप, जदों वाक दे विच कोई प्रेपोजिशन नहीं दित्ती हुई, कि संबंधक नहीं दिता आया, तो साधारण है। संबंधकी रूप मतलब जे विच प्रेपोजिशन होंदी है। ठीक है, संबंधकी रूप मतलब विच कोई प्रेपोजिशन लगी होगी, वो अपने को संबंधकी रूप जा तिरछा रूप हो जाएगा। जिहड़ी हल्की हल्की जानकारी सी मैं तुहानू सारी देती, हुण आपां थ्योरी वाइज पढ़ते हैं, जिवें आपां किताबां दे तौर ते पढ़ाई दे तौर ते बच्चों नू पढ़ाना होंदा वो पढ़ते हैं। अर्थ दे आधार ते वर्गीकरण पांच तरह का होंदा, तुहानू क्वेश्चन आए नाव किन्नी तरह का होंदा, पांच तरह का। आम नाव जा जातिवाचक नाव, आम ते जाति दोवां दे नाम उल्टे पुल्टे नहीं करने, इन्नी मेहरबानी रखिया जी, बस आम नाव जा जातिवाचक नाव, जाति आम ही होंदी है। खास नाव जा निजी नाव, जेड़ी चीज अपनी निजी होंगी है, परसनल होंगी, उन्हें अपन बड़ी प्यारी होंगी है। ठीक है, उस तो बाद वस्तुवाचक नाव, वस्तु नूं आपां पदार्थ भी कहने, सिनोनियम्स ने, इकट्ठ नूं आपां समूह कहने, ते भाववाचक नाव। हुण आम नाव जा खास नाव दोनों विच किवें फर्क लगता है, देखो मान लो मैं कहां नदी है ना, जेड़ी पूरे ग्रुप नूं डिनोट करेगी, नदी, नदी की है आम नाव है कि खास नाव है, नदी आम नाव है, पूरी जाति नूं दसी जांदी है ना। नदियां तो बहुत सारिया होंगी, गंगा होगी, साबरमती होगी, है ना, किनिया सारिया नदियां होंगे, यमुना होगी, किनिया सारिया ही नदियां होंगे। जे सारी नदी के विचों मैं गंगा बाहर कढ लां तो खास नदी बन जाएगी। ठीक है, जे मैं कहां विद्यार्थी, ये आम है, विद्यार्थी विचों मैं राम बाहर कढ लां तो खास बन जाएगा। क्लियर, जो जेड़ा चीज फर्नीचर, फर्नीचर की हो गया अपने को आम हो गया, फर्नीचर विचों मेज कुर्सी मैं बाहर कढ लां, फर्नीचर के विचों ओदो, नहीं तो यह आम ही है,
ठीक है, वो अपने को लिए खास बन जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को डिनोट करे। ठीक है, आम नाउन जोड़ा कॉमन नाउन होंगे, खास नाउन प्रोपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपर वस्तु नु डिनोट करेगा। उस तो बाद वस्तुवाचक नाव की होंगे, जड़िया चीजें गिनिया नहीं जांदिया होंदिया, सिर्फ तोलिया जड़िया जगह घेर दिया है, थां घेर दिया, मिनिया जा सकती है, तोलिया जा सकती है, मिनिया जा सकती है, जगह घेर दिया, वो वस्तुवाचक नाव होता है, सिर्फ गिनिया नहीं जांदिया। उस तो बाद इकट्ठवाचक नाव जेड़ा पूरे ग्रुप नु डिनोट करेगा, जिवें हर्ड इंग्लिश दे विच कैटल, हर्ड, फ्लोक, फ्लाइट, इस तरह के शब्द होंगे। पंजाबी दे विच आपां बोलदे आ इज्जड़, समूह, जुंडली, टीम, जत्था, इस तरह। ठीक है, उस तो बाद भावनाचक भाववाचक नाव जेड़े फीलिंग डिनोट्स करते हैं, प्यार, इश्क, मुहब्बत, चैरिटी, सिंपथी, जेड़े सिर्फ फीलिंग्स दसदे, गुस्सा, जवानी, सुहापन, बुढ़ापा, ये सारे भाववाचक नाव हो जाते हैं। हुण आपां इहदी थ्योरी पढ़ते हैं, अर्थ के आधार से वर्गीकृत। आम नाव जां जातिवाचक नाव जिन्हां शब्दों तो किसी जाति के सारे पदार्थों का बोध होंगे, आम नाम अखवाते हैं, पुत्र, पुस्तक, कुर्सी, अध्यापक। खास नाव जां निजी नाव जेडे शब्द किसी विशेष जीव, थां, वस्तु लई वरते जाण, जिवें जलंधर, गंगा, जे मैं कहां शहर है ना, आम है, शहर दे विचों जलंधर कढ लिया, खास हो गया, गंगा, हिमालय, सूरज, जंगल, अंबिया आदि। वस्तुवाचक नाव जेड़े शब्द केवल उन्हां चीजां लई वरते जाण जिहड़ियां नापियां जांदियां, तोलियां जांदियां, थां घेरदियां, पर गिनियां नहीं जा सकदियां, वस्तुवाचक नाव हुंदे आ, जिवें रेत, तेल, मिट्टी, पानी, दुध, पत्थर। हुण मान लो मैं तुहानूं कहां पत्थर दा मैनूं जेंडर दसो, है ना, हुण तुसीं आ थोड़ा कहोगे पत्थर मारी, नहीं ना, पत्थर मारिया। सोने दा जेंडर दसो, सोना पाई, सोना पाया। दुध, दुध दा जेंडर दसो, दुध, हुण ना तां कन्ना ना बिहारी है, किवें दसांगे दुध, है ना, दुध ऐ थोड़ा कहवांगे पीती, दुध पीता, ये भी मेल है। हुण पानी देखो बिहारी आ गया ना, फिर भी जेंडर नहीं, फीमेल शो करी जांदा, पानी पीता ही कहने हो, थोड़ा कहने मैं पानी पीती, कदे क्या करे मैं पानी पीती, जब अपने बच्चों ने बोलिया हो पानी पीती, है ना, नहीं। रेत, ठीक है, रेत कट्ठी कीती, रेत की है, मेल है कि फीमेल है। कनक उगी, है ना, ऐ थोड़ा कहने कनक उगया, आपां कहड़ा तमिल वाले, आपां कहवांगे कनक उगया। उस तो बाद इकट्ठवाचक जां समूहवाचक नाव जेड़े नाव वस्तुआ जां जीवां दे इकट्ठ नूं प्रगट करन, इकट्ठवाचक नाव हुंदे जिवें जमात, जत्था, टीम, इज्जड़, फौज, टोली, जुंडली, ठीक है आदि। भाववाचक नाव, इत्थे जुंडली दे स्पैलिंग मिस्टेक हो गए। भाववाचक नाव की हुंदा है, जेड़े नाव किसी भाव, हुनर, गुण, हालत आदि नूं प्रगट करन, उह भाववाचक नाव है, जिवें दोस्ती, प्रेम, गुस्सा, सुहप्पन, सोना, बुढ़ापा, नींद, दलेरी, गुनाह आदि। उस तो बाद आ गई रूप दे आधार ते, मैं तुहानूं पहलां ही दसता भी परमात्मा ने दो ही रूप बनाए ने, एक मेल है, एक फीमेल है। पुलिंग, मेल नूं पुलिंग कह देंगे, जिन्हां शब्दों के अंत विच कन्ना होवे, ये गल दा संकेत करता है कि नाम पुलिंग है। सिर्फ एक छोटी जी कच्ची कच्ची ट्रिक है, मुंडा हासा, घोड़ा भरोसा। पुलिंग नाव की हुंदा जिहड़ा मरदावे का बोध करावे, जिवें पुत्र, घोड़ा, राजा, पहाड़, कुत्ता आदि। इस्त्री लिंग नाव जो शब्द, हाँ लवप्रीत जी, सत श्री अकाल। इस्त्री लिंग नाव जो शब्द जनाने का बोध करावे, इस्त्री लिंग हो गया, जिंदे पिछे बिहारी लगी होवे। ठीक है, देखो नीचे में लिखा ही है, घोड़ी, कुड़ी, गड्डी, पहाड़ी, नेकी, ठीक है, घोड़ी, रानी, पहाड़ी, कुत्ती, ओ केड़े नाव हन। हुण पहाड़ी तां फीमेल ही हो जाएगी ना, पहाड़ी डिग पी, डिग्गी, है ना, उत्थे पहाड़ी डिग्गी पी है, एवें कहांगे। ओ केड़े नाव हन जो सिर्फ पुलिंग ही हुंदे हन, जिन्हां दा इस्त्री लिंग हुंदा ही नहीं, जिवें पानी, असमान, ट्रक, रब, रुख, घर, जल, चूना, गुड़, हंकार, क्रोध आदि। मिनती दे आधार ते जां तां इक वचन हुंदा जां बहुवचन हुंदा, चीज अपने सामने आपां नूं जां तां इक मिलेगी जां बहुत सारियां मिल जाणगियां। जिहड़े एक चीज का बोध करावे एक वचन, छोटा मुंडा, लड़की। जिहड़ी बहुत सारिया चीजा का बोध कराएगा बहुवचन हो जाएगा, छोटे मुंडे, लड़कियां। उस तो बाद वरतों के आधार से वर्गीकरण, साधारण रूप जां संबंधकी रूप। संबंधक का मतलब हुंदा है प्रैपोजिशन, जो वाक दे विच प्रैपोजिशन लगी हुई है तो संबंधकी जां तिरछा रूप है, नहीं तो साधारण है। देखो कुत्ता भौंकिया जां कुत्ता भौंक रहा, कोई प्रैपोजिशन नहीं है ना, कुत्ता तां नाउन हो गया भौंकिया, है ना, भौंकना की हो गया क्रिया होगी, कुत्ता नाउन हो गया, भौंकना की हो गया क्रिया होगी, रहा सहायक हो गया, सहायक क्रिया होगी, मुड़ा है ना, उस तो बाद है ससरंगी क्रिया होगी। संबंधकी रूप, कुत्ते ने भौंकिया, ने टू प्रैपोजिशन लगी तो हुई है, कुत्ते ने भौंकिया च प्रैपोजिशन लगी हुई है, यह संबंधकी जां तिरछा रूप हो गया। इत्थे आके अपना नाम खत्म हुंदा है। जे इन्नी गल समझ आ गई तो एक बार मैनूं यस नो दे विच जवाब दिओ, फिर उस बाद आप अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कोई एक अद्धा जना बता दो, दिमाग सारिया का बराबर है।
सब कह रहे ने, अमन कह रहे ने, यस पूनम कह रहे, निशा कह रहे ने, प्रिया तनेजा कह रहे हैं, कर दो एक बार, मैं लेट ज्वाइन किया सी मैम की, प्लीज फर्स्ट स्लाइड शो कर दो। अच्छा फर्स्ट स्लाइड शो कर देनी है, आलो जी, बाकी तुहानू रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएगियां। आलो बच्चे ठीक है, हुण मैं नेक्स्ट करवा रही हूं, हुण अगली गल भी बड़े ही, जिवें पहली गल ध्यान नाल सुनी है ना, अगली गल भी बड़े ही ध्यान नाल सुननी है। पंजाबी एटमोलॉजी करी ने, जिवें तुहानू पता ही है, सब तो पहला देखो प्रोनाउन इंग्लिश च लिखे ना, पंजाबी दे विच पड़नाव, जेड़ा नाव की जगह ते वरत्या जावे ना उहनू पड़नाव कहिंदे आ आपां। जिवें सीता ने आपदी मां नू कहा कि वह कल दिल्ली जाएगी, सीता की जगह आपां थोड़ा बोलांगे, सीता ने आपदी मां नू कहा कि सीता कल दिल्ली जाएगी, गलत हो गया ना, सीता ता नाव है। सीता ने आपकी मां नू कहा कि ओहो कल दिल्ली जाएगी, सीता की जगह आप शब्द वरत लिया ओहो, है ना, ओ की हो गया पड़नाव हो गया। जेड़ा नाव की जगह से वरत्या जाता है ना उन्होंने आप कह दें पड़नाव कहने हैं, पहली गल तुसी ये याद रखनी। उस तो बाद नेक्स्ट देखो, जेड़ा पड़नाव है ना छे तरह का होंगे, नाव किन्नी तरह का सी, पांच। नाव तो बाद की आता होंगे सिलेबस के पड़नाव, पहला नाव करते हैं बच्चे फिर पड़नाव करते हैं, पांच तो बाद गिनती च भी छे ही आता है, नाव पड़नाव पांच ते छे। हुण इहनू याद किवें रखना, हुण मेरी गल ध्यान नाल सुननी है, बड़े आराम नाल करवावांगी। पड़नाव छे तरह का होंगे, याद किवें रखना, किहड़ा छे तरह का होंगे, ट्रिक लिखी हुई अपने सपने, ध्यान नाल सुनिया जी, बड़े ध्यान नाल, सिर्फ तीन चार मिनट ध्यान नाल सुन लिया जी, ठीक है। प्रोनाउन किन्नी तरह का होंगे, प्रोनाउन छे तरह का होंगे, अपने सपने देखो छे ही अक्षर है ना, एक करसर ध्यान नाल देखो, दो तीन चार पांच एक छे, है ना, छे अक्षर का ही बनया है अपने सपने, ते पड़नाव छे तरह का होंगे। हुण केड़िया केड़िया किस्म है, इधर देखो, सब तो पहला देखो आप सारे एज ए की ह्यूमन बीइंग है ना, सारे आप ह्यूमन बीइंग ही है। पप्पे के विचकार वाला वेखो, मेरा कर्सर निगाह च रखा जी, बस पप्पे के पुरख वाचक पड़नाव, आप पुरख ही है। हुण देखो एज ए ह्यूमन बीइंग पुरख, अपना इरादा की होएगा, जा तो निश्चित होएगा जा अनिश्चित होएगा, ठीक है। तुम जाता की गल, अपने च एक बच्चा सुरजीत, अक्सर मैं उनका मैसेज आता है, दो तीन बार हूं तक तो आ ही चुका भी, मैंने तो हिम्मत ही बड़ी मिलती गल सुन के, है ना, मतलब उनका इरादा जाता निश्चित है जा अनिश्चित, पहले अनिश्चित सी, एट प्रेजेंट उनका इरादा अनिश्चित बनया होया, बनया होया ना। पुरखवाचक पुरख तो हैगा ही है, क्यों सुरजीत, पुरख तो तू हैगा ही है, तेरा इरादा जाता अनिश्चित है जा निश्चित है, मतलब पुरखवाचक पड़नाव, अनिश्चयवाचक पड़नाव, निश्चयवाचक पड़नाव, तीन तो यह हो गए। उस तो बाद सपने, इधर देखो सपने, सस्से ते संबंध वाचक ते नन्ने ते निज वाचक पड़नाव, जदों किसे नाल आपां निजी संबंध बनावांगे, जे आपां किसे नाल ज्यादा परसनल हो जाने तो लोकी गल्लां बनांदे आ ना, प्रश्न तो उठाणगे, प्रश्न वाचक पड़नाव, जे किसे नाल संबंध निजी बनावांगे तो लोकी प्रश्न तो करनगे, संबंध वाचक पड़नाव, निज वाचक पड़नाव, प्रश्न वाचक पड़नाव। दोबारा फिर सुनो, एक ही सुनो बस मेरी गल, पहला वाले पप्पे ते आई है पुरखवाचक पड़नाव, आपा पुरख है, अपना इरादा जाता निश्चित है ते जा अनिश्चित है, अनिश्चयवाचक पड़नाव, पुरखवाचक पड़नाव, निश्चयवाचक पड़नाव। उस तो बाद संबंधवाचक पड़नाव, प्रश्नवाचक पड़नाव, निजवाचक पड़नाव, जे संबंध निजी बनावांगे, जे आपा किसी नाल परसनल रिलेशन बना लेने हैं तो लोकी प्रश्न तो उठनगे, चक्की जान दिया करो, टेंशन ना लिया करो, ठीक है, जो दिल करता बस वो करो, करया करो। संबंधवाचक पड़नाव याद रखना है बस, प्रश्नवाचक पड़नाव, निजवाचक पड़नाव, यह होंगे छे तरह के। इतने अपना पाठ खत्म हो जाता है, उस तो बाद बुकिश वाली लैंग्वेज के हिसाब न जिमें आप पढ़ना वो आप अगों पढ़ा। इन्नी गल समझ आ गई, बोलो इन्नी गल समझ आ गई, बोलो जी, यस मैम, चलो कह रहे यस मैम। हुण देखो पड़नाव इंग्लिश के प्रोनाउन, हिंदी की कह देने सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, जेड़ा नाव की जगह पर वरत्या जाए उन्हें पड़नाव कहने हैं, सेम पंजाबी च लिखा हुआ नाव की थान पर वरते जाने वाले शब्द को पड़नाव कहते हैं। पड़नाव दी छे किस्म है, ट्रिक याद रखनी, अपने सपने, तो सपने अपने आप दे ही है, आप किसी के चक्के आपके घरे लिया है, थोड़े सब के अपने अपने सपने है,
ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਮਾਈ ਮੀ ਵੀ ਆਰ ਅਸ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਯੂ ਯੂਅਰ ਯੂ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ। ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇਰਾ, ਉਹਦਾ। ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਆਦਿ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ, ਉਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਤਾਓ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਲੈਅ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇੰਡ ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ, ਸੀ, ਸਾਨੂੰ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੰਨਿਆ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਖ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਉਹ ਪੜਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਆਪ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਤੇ ਆਪਸ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਫਾਇੰਡ ਕਰੋ, ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਆਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਤੇ ਆਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਂਵ ਦਿਸ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਦਿਸ, ਦੈਟ, ਦੀਜ਼, ਦੋਸ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਤੇ ਦੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਅਜਿਹਾ ਪੜਨਾਂਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਕੀਪ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ, ਪੂਨਮ ਦਾ, ਰੀਤ ਮਹਾਜਨ ਦਾ, ਰਜਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਸ਼ੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ, ਕਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਸਭ, ਕਈ, ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੜਨਾਂਵ ਜੋ ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
जो वंड खावे सो खंड खावे, आपने बुजुर्ग कहते सी ना, जो वंड खावे सो खंड खावे, जो सो की हो जाएंगे, जो करेगा सो परेगा, जो सो की हो जाएंगे योजक, ठीक है, संबंधवाचक हो जाएंगे। जो खा लवे स्कूल पहुंच जावे, ठीक है, जेड़े वंड खान वो खंड खान, जिसने भी गल सुनी वो हस पिया, ये सारे की हो गए अपने को संबंधवाचक, जो एक वाक में दूजे वाक नाल जोड़ी जाते हैं। प्रश्नवाचक पड़नाव की होंगे, वो पड़नाव जो नाव की थां ते वरत्या जावे ते नाल उस द्वारा प्रश्न भी किया जावे, ठीक है जी, ओनू आपां की कहने हैं प्रश्नवाचक पड़नाव। प्रश्न तीन गल्लां नाल ही हुंदा हुंदा है, कौन की केड़ा। पंजाबी दे विच इस श्रेणी विच संबंधित किन्ने पड़नाव हुंदे ने, तीन तरह के, कौन की केड़ा। कौन आपां ह्यूमन बीइंग लई यूज करते हैं, बंदियां वास्ते यूज करते हैं, मैं तुहानू पुछांगी भी तू कौन है, तुसी कौन हो, है ना, रिश्ते दे हिसाब नाल। ह्यूमन बीइंग लई की दा यूज बेजान वस्तुओं लई, संकल्पां दे लई, जानवरां दे लई यूज कीता जांदा है, केड़ा जदों बहुतियां विचों किसे एक दी चोन करनी होवे। देखो नीचे ही गल सेम लिखी है, कौन की केड़ा पड़ाव कदों वरत्या जांदा है, कौन व्यक्तियां दे लई यूज कीता जांदा है, ह्यूमन बीइंग दे लई, की पशुआं बेजान वस्तुओं ते संकल्पां दे लई, संकल्प हुंदे थोट दे लई, विचारां दे लई, केड़ा पड़नाव जदों बहुतियां विचों किसे एक नाव की चोन करनी होवे, इन्हां विचों केड़ा मुंडा है जो अज गैर हाजिर सी, ठीक है, इन्हां मुंडियां विचों केड़ा गैर हाजिर सी, बहुत सारे मुंडियां विचों ये पूछी जाने हैं भी केड़ा गैर हाजिर सी, बहुतियां विचों किसे एक की चोन आपां कर रहे हैं। तो इत्थे आके अपने ये कॉन्सैप्ट भी खत्म हो गया, जे क्लीयर हो गया तो एक बार मैनूं जवाब दिओ, यस मैम। उस तो बाद इंदा टेस्ट है, टेस्ट हुने करना चाहते हो, पहले मैंने ये जवाब दियो, समझ आ गया, टेस्ट की अगली गल पूछांगी, फिर मैं पता नहीं लगना भी तुम कि जवाब देते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस मैम। जोबन कह रहे हैं, रंजीत कह रहे हैं, पूनम कह रहे हैं, सिमरजीत, सिमरन, सिमरनजीत कौर कह रहे ने, प्रिया तनेजा कह रहे ने, चलो चैप्टर क्लियर है, बिल्कुल सही। रीत महाजन, लवप्रीत, निशा, हुण दसो टेस्ट करना है, टेस्ट करिए आपां, सिर्फ 10 मिनट लगनगे, पूरी स्पीड नाल, एनर्जी नाल। नवनीत कह रहे ने यस मैम, हाँ चलो जरूर, बहुत अच्छा, वेरी पॉजिटिविटी, हाँ जी। प्रिया कह रहे ने हाँ जी, हुण आपां एमसीक्यूज करते ने, ठीक है, पूरे एनर्जी नाल, पूरी स्पीड नाल जवाब देने हैं, आंसर रुकने नहीं चाहिए। जवाब किवें देने हैं, आपके तजर्बे के आधार से, आपकी कॉमन सेंस के आधार से, कलियां ऑप्शन पढ़ पढ़ जवाब नहीं देने, जो तुहाड़ा बेसिकली तुसी सारे ही टीचर हो, आपके एक्सपीरियंस के आधार से ऑप्शन सीधी लिखनी चाहिए है, भी आ ऑप्शन है। सब तो पहला कहिंदा पुल्लिंग शब्द चुनो, पुल्लिंग शब्द चुनो पहले दा, हाँ प्रिया ने आंसर सब तो पहले दिता, फिर जोबन ने, सिमरन ने, रीत महाजन ने, रजनी ने, रंजीत ने, नवनीत ने, पूनम ने, पूनम आंसर लेट नहीं करना, पहले दा पहली ऑप्शन बिल्कुल सही, सब दा आंसर सही है, बाकी कहाँ भाग गए, सुरजीत ने, उस तो बाद कल्पना कुमारी, फर्स्ट ऑप्शन। दूजा वाक दे जिंदे बारे गल कीती जावे, जिस दे बारे गल कीती जावे, दूजे दा बी ऑप्शन ठीक है, रंजीत, नवनीत, रजनी, लवप्रीत, रीत महाजन, सिमरनजीत कौर, पूनम, हाँ सब दा आंसर सही है, बहुत अच्छा। तीजा, दिल्ली बहुत वधिया शहर है, लकीर शब्द का नाम दसो, दिल्ली का नाम दसो, क्वेश्चन नंबर 3 का दूजी ऑप्शन, बहुत अच्छा, इन्नी स्पीड नाल आंसर जा रहे, मैं तो दिखन भी दिखना दिखना ही हट गया, हाँ दूजी ऑप्शन सही है सब दा, पर जिंदा आंसर पहले आंदा मैं दिख जाता है। चौथे का, जेड़ा शब्द तौलियां जां गिनियां जान सकन वाली चीजा दे लई वरते जान, उन्हां नूं केड़े नाम किया जाता है, चौथे का, चौथे का पहली ऑप्शन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। पंजवें का, वाक दे विच जिस दे नाल गल कीती जावे उसनूं की किया जाता है, पंज नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का, जिंदे नाल गल कीती जावे, पंजवें का रंजीत का आंसर सब तो पहले, फिर पूनम का, कल्पना कुमारी का, हाँ पूनम दूसरे नंबर ते आ गया, क्या बात है। पंजवें का चौथी ऑप्शन, निशा, कल्पना, रीत महाजन, सिमरनजीत, मीनू रानी, नवनीत जी, पूनम, ठीक है जी। उस तो बाद 6वें का, मरासी शब्द का सही लिंग दसो, ठीक है, पंजवें की चौथी ऑप्शन, 6वें का, 6वें का क्वेश्चन नंबर, 6वें का, 6वें का दूजी ऑप्शन, मरासन, बहुत अच्छा, क्या बात है, 6वें का। 7 नंबर, मैं अपने नानकियां ते गया, वचन बदलो, तजर्बे के आधार से फटाफट सीधी ऑप्शन ते नजर जावे, मैं अपने नानकियां ते गया, मैं अपने नानके गया, ठीक है, वचन बदलो। 7वें का, जल्दी 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 आंसर नहीं रुकने चाहिए, वचन बदलना है। 6वें का चौथी ऑप्शन, क्या बात है, नवनीत ने सब तो पहले आंसर दिता है, ठीक है, असी अपने नानके गए,
ठीक है, असी अपने नानके गए, मैं तो की हो जाएगा वचन दे वेच, असी नानके तो नानके ही रहेगा। उस तो बाद 7 नंबर सही है, शब्दा सही है, रंजीत जी सही है, जोबन सही है, सुरजीत कौर, सुरजीत सिंह जी सही है। 8 नंबर वस्तुवाचक नाव चुनो, वस्तुवाचक नाव। 8वें दा प्रिया ने सब तो पहले आंसर दिता है फिर। हाँ जी ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। पहली ऑप्शन दूध तेल पानी। 9वें दा जेड़े शब्द किसे मनुख वस्तु जा स्थान दे नाव दा बोध करान उन्होंने की कहने हैं। 9वें दा क्वेश्चन नंबर 9 दा, 9 दी दूजी ऑप्शन कल्पना कुमारी दा आंसर सब तो पहले आया है, आई थिंक कल्पना ही सी। हाँ 9वें दा दूजी ऑप्शन नाव बिल्कुल सही है। 10वें दा वाक दे विच नाव दी थां ते वरते जान वाले नूं, क्वेश्चन नंबर 10 दा नाव दी थां ते वरते जान वाले नूं। 10वें दा क्वेश्चन नंबर 10 दा, हाँ मीनू राणी दा आंसर सब तो पहले आया। प्रिया तनेजा, सुरजीत, लवप्रीत कौर, क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर नहीं रुकने चाहिए फटाफट। फिर पूनम दा, जोबन दा। 11 नंबर आम जातिवाचक नाव चुनो, चलो जी आम चुनो, आम। आम की हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिया तनेजा दा आंसर सब तो पहले आया 11 दा। ठीक है जी, विद्यार्थी चौथी ऑप्शन 12, हरमन बहुत उदास है, शब्द दे नाव दी किस्म दसो, उदास उदास की है। 12 दा मीनू राणी दा आंसर सब तो पहले आया सी ऑप्शन, सुरजीत, सिमरन, लवप्रीत दा, निशा, प्रिया, रीत, पूनम। ठीक है जी, 12 दा सी ऑप्शन, हाँ 12 दा सी ऑप्शन, तीजी ऑप्शन। 13 दा रंजीत दा, आई थिंक विच गलत गया आंसर। जेड़िया चीजा ना देखिया जा सकन, ना फड़िया जा सकन, केवल महसूस कितिया जा सकन, केड़ा नाव हुंदा है। 13 दा चौथा ऑप्शन, ठीक है दो जन का विच ऑप्शन गलत चलेगी, भाववाचक नाव बिल्कुल सही। 14 दा सहेली शब्द का सही लिंग दसो, पेपर भी एवं तजर्बे के आधार से फटाफट ऑप्शन लगनी चाहिए है थोड़ी। 14 दा सहेली शब्द का सही लिंग दसो, 14 दा, 13 दा सब का सही है, सही है, सही है। 14 दा, 14 दा सी ऑप्शन, रंजीत का आंसर सब तो पहले आया। फिर रीत दा, कल्पना दा, रजनी दा, जोबन दा, पूनम, देर नहीं करनी, मीनू दा। ठीक है जी, 15 दा पहली ऑप्शन, आप ते आपस, क्या बात है। ठीक है जी, 15 दा पहली ऑप्शन, निज प्रणाम, निज वाचक। 16 दा जेड़े प्रणाम किसी दूर नेड़े दी दिसती वस्तु वाल इशारा करन उन्होंने केड़ा प्रणाम कहा जाता है। 16 दा क्वेश्चन नंबर 16 दा, सुरजीत जी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 16 दा दसो, 16 दा, 15 सही है, सही है, सही है। 16 दा रंजीत का आंसर आ गया डी ऑप्शन, सिमरन दा आया डी ऑप्शन, लवप्रीत दा डी, जोबन, मीनू रानी, सुरजीत, देर नहीं करनी, जल्दी जल्दी आंसर आए। 16 दा चौथी ऑप्शन, हाँ सुरजीत दा 5वें नंबर ते आया निश्चयवाचक। 17 दा पंजाबी दे विच लिंग किन्नी तरह का होंगे, 17 दा मीनू दा आंसर आया 17 दा सब तो पहले, फिर पूनम दा आ गया, सिमरन दा, जोबन दा, रीत, जोबन, रंजीत, कल्पना रानी, सुरजीत कहाँ रह गए, जल्दी आंसर दो। ठीक है जी, 17 दा निशा रानी, निशा दा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी, 17 दा पहली ऑप्शन। उस तो बाद 18 दा भाववाचक नाव चुनो, भाववाचक नाव चुनो। 18 दा मीनू रानी दा सब तो पहले आंसर आया, फिर सिमरन दा, पूनम दा, प्रिया दा, 18 दा पहले ऑप्शन, गर्मी, खुशी, बुढ़ापा। 19 दा खास नाव चुनो, 19 दा, 19 दा फटाफट, 19 दा, 19 दा लवप्रीत आंसर इस बार सब तो पहले आया, हरिमंदर साहिब, ताजमहल, बिल्कुल सही, दूजी ऑप्शन। 20वें दा अजकल सोना बहुत महंगा है, लकीरे शब्द का नाव दसो, मतलब सोने का नाव दसो। 20वें दा क्वेश्चन, 20वें दा दूजा मीनू दा आंसर फिर सब तो पहले आया है। 3जे नंबर ते सुरजीत दा, प्रिया तनेजा, फिर उस तो बाद रंजीत दा, इस तो पहला एक जने दा होर सी, वस्तुवाचक नाव बिल्कुल सही। 21 दा जेड़े शब्द स्त्री जां मादे भेद नूं प्रगट करन उन्हां नूं की कहा जाता है। 21 दा क्वेश्चन नंबर 21, 21 दा सी ऑप्शन, रंजीत कौर दा आंसर, फिर सिमरन दा, प्रिया, रीत। ठीक है जी, 21 दा रीत, फिर उस तो बाद जोबन दा, नहीं, जेड़ा शब्द स्त्री मादा भेद नूं प्रगट करे उन्हूं की कहा जाता है। स्त्री दा, स्त्री, मादा भी फीमेल होगी, ठीक है, मादा बंदे नूं नर कहने हैं। 21 दा तुसीं गलत दे गए, क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है, मादे दा मतलब ये नहीं बंदा, स्त्री जां मादा, स्त्री नूं मादा कहने हैं। ठीक है जी, हाँ मादा दा ऑपोजिट नर होएगा, नर मादा बोलते हैं ना, नर है के मादा है। ठीक है, 21 दा जानवर वास्ते यूज कर लेने हैं नर मादा। 21 दी तीजी ऑप्शन, हाँ हुण सारिया दा आंसर सही है, बिल्कुल सही। 22 दा क्वेश्चन नूं ध्यान च रखना, 21 नंबर निश्चयवाचक पड़नाव चुनो। 22 दा क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा 22 दा आंसर भी देता तुसी, मैंने तो देखा ही नहीं। तीजी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी, सी ऑप्शन। ठीक है रंजीत जी, 23 दा कसाई शब्द दा सही लिंग दसो,
कसाई शब्द दा सही लिंग दा सोते ही दा बाई सही है सही है सही है सब दा सही है। रीत महाजन लवप्रीत पूनम 23rd दा सी ऑप्शन सब तो पहले आंसर आया सी आई थिंक लवप्रीत है ठीक है कसाइन बढ़िया नहीं गया मेरे तो। 24 दा संदूक शब्द दा सही लिंग दसो संदूक दा 24 दा 24 दा आंसर निशा ने सब तो पहले दिता संदूकड़ी बिल्कुल सही है 24 दा पहली ऑप्शन संदूक दा संदूकड़ी संदूकनी नहीं हुंदा संदूकनी तो पेटी नु कहने हैं संदूक दा संदूकड़ी 24 दा पहली ऑप्शन 25 दा जेड़े पढ़ना प्रश्न पूछन दा काम करदे हन उहनां नु की कहा जांदा है जेड़े प्रश्न पूछन दा काम करदे हन 25 दा क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन नंबर 25th दा 25 दा सिमरन लवप्रीत जोबन सुरजीत इस बार सुरजीत दा आंसर सब तो ऊपर सी चौथे नंबर ते 25 दा पहला प्रश्नवाचक 26 दा जेड़े शब्द मर्दावे जा नर भेद दा देखो आ गया ना मर्दावे जा उथे स्त्री जा मादा सी ते मर्दावा जा नर भेद नु प्रगट करे ओनू की कहने हैं आपा 26 दा क्वेश्चन नंबर 26 दा दूजी ऑप्शन बिल्कुल सही सारिया दा सही है आहा एक जने दा दो जने दा गलत हो गया 26 दा दूजी ऑप्शन पुलिंग ठीक है जी जदों बंदे दी गल करे पुलिंग जवाब देना है जदों स्त्री दी गल करे उदों स्त्री लिंग जवाब देना है पुलिंग ते स्त्री लिंग दो तरह दी हुंदी है जे कल्ला लिंग पढ़ांगे तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी मतलब आपां किसे दी भी गल आपां कहिंदे ना लिंग भेद नहीं करना चाहिए मतलब बंदे दे बुढ़ी दे विच मेल ते फीमेल दे विच भेद नहीं करना चाहिए ठीक है सारे पुलिंग उत्थे बैठे ने मतलब सारे बंदे मर्दावे नर उत्थे बैठे ने ठीक है सारिया जे मादा की गल करिए मादा जनाने जनानियां स्त्रियां सारिया बैठिया ने स्त्री लिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 दा केड़े शब्द का विरोधी लिंग नहीं हुंदा हाँ विरोधी शब्द किंदा नहीं हो गया 27 दा अच्छा 27 दा आंसर पहले ही दे दिता डी ऑप्शन क्या बात है। अजकल त्रिंजना की रौनक अलोप हो गई है लकीरे शब्द का नाम दसो चलो जी 28 दा क्वेश्चन नंबर 28 दा हाँ डी ऑप्शन मीनू जी बिल्कुल सही रीत महाजन बिल्कुल सही जोबन जी सही है रंजीत कौर सही है ठीक है 61 नाव 29 दा वाक दे विच गल करने वाले व्यक्ति नु की कहा जाता है गल करने वाले व्यक्ति नु की कहा जाता है 29 दा 28 दा सब दा सही है 29 दा सी ऑप्शन उत्तम पुरख बिल्कुल सही सही है जी प्रिया तनेजा जी पूनम सुरजीत बिल्कुल सही 30 दा चिड़ी ची ची कर रही है वचन बदलो चिड़ी ची ची कर रही है वचन बदलो 30वें दा दूजी ऑप्शन लवप्रीत दा निशा दा सब तो पहले आंसर आया फिर लवप्रीत दा फिर अमन बराड़ दा प्रिया तनेजा अमन दा पहला पहली और आंसर वेख्या मैं पहला आंसर नहीं वेख्या दूजी ऑप्शन अमन जी लेट नहीं आना स्त्री लिंग शब्द चुनो हाँ जी स्त्री लिंग शब्द चुनो बोलो जी 31 दा आज प्रियंशु का कोई आंसर नहीं आया 31 दा दूजी ऑप्शन बिल्कुल सही माता जट्टी मोरनी घोड़ी प्रणाव दिया किनिया किस्मा होंदिया हन 32 दा 32 दा 32 दा हाँ 32 दा सही है अरे मेरे तो नाम ही नहीं पढ़े जा रहे 6 डी ऑप्शन क्या बात है। उस तो बाद 33 दा अनिश्चयवाचक पड़नाव चुनो अनिश्चयवाचक पड़नाव चुनो 33 दा क्वेश्चन नंबर 33 डी ऑप्शन कल्पना दा आंसर आया फिर लवप्रीत दा फिर पूनम दा रंजीत दा 33 दा चौथी ऑप्शन फिर सुरजीत दा ठीक है जी सुरजीत दा सुरजीत जी सब तो पहले ट्राई करो आंसर देने दे, दूजे तीजे नंबर ते आ गए तुसी नाव किन्ने प्रकार दे हुंदे हन नाव किन्नी तरह दे हुंदे हन ते 34 दा 34 प्रिया दा आंसर सब तो पहले आया है ठीक है जी नाव किन्नी तरह दे हुंदे हन सी ऑप्शन 5 तरह दे ठीक है। उस तो बाद 35 दा 35 दा लवप्रीत दा आंसर सब तो पहला आया है संबंधवाचक पड़नाव चुनो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी 35 दा सी ऑप्शन हाँ सही है जी सही है जी सब दा सही है 35 जेड़े पहले तीन चार जने आंसर दिंदे हो मेरी निगाह च हुंदी है अगले बारी तो मैं क्वेश्चन अगला वेखन लग जन्नी हां 36 61 नाव चुनो 61 36 दा क्वेश्चन नंबर 36 रुकना नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 हाँ रंजीत दा आंसर सब तो पहले आया फिर प्रिया दा मीनू दा पूनम दा जोबन दा ठीक है जी 36 दा सी ऑप्शन टीम जत्था जमात 37 दा पुरखवाचक पड़नाव दिया किस्मा दसो पुरखवाचक पड़नाव किन्नी तरह दंदे है 37 दा प्रिया तनेजा दा आंसर सब तो पहले आया है 37 दा दूजी ऑप्शन ठीक है 37 दा दूजी ऑप्शन है पुरखवाचक पड़नाव किन्नी तरह दा हुंदा है 3 तरह दा उत्तम पुरख मध्यम पुरख ते अन्याय पुरख। उस तो बाद 38 मध्यम पुरख चुनो इंदे विचों 38 दा क्वेश्चन नंबर 37 दा दूजी ऑप्शन जिन्हां ने लाया सब दा सही है क्वेश्चन नंबर 38 पहले प्रिया दा आंसर आया फिर सिमरन दा नहीं पहले रंजीत फिर सिमरन फिर रीत महाजन पूनम लवप्रीत निशा कल्पना
हाँ पूनम, रीत, ठीक है जी, 38 दा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी, 38 दा फर्स्ट ऑप्शन, जेड़े शब्द खास खास चीजा लिए वरते जाते ने, ठीक है, वो केड़े नाव हुंदे ने, 39 दा, 39 दा पूनम दा आंसर, सब पहले रंजीत दा फिर पूनम दा, इस तो पहले भी एक बच्चे दा सी, दूजी ऑप्शन, ठीक है, दूजी ऑप्शन, जेड़े खास चीजा लिए वरते जाते ने उन्होंने खास नाव कहा जाता है। उस तो बाद 40 दा सरबत दा भला मंगो, सरबत, हाँ केड़ा सरबत दा, सरबत दी केड़ी ऑप्शन आएगी दसो जी, 40 दा क्वेश्चन नंबर, 40 दा फर्स्ट ऑप्शन, सिमरनजीत कह रहे हैं फर्स्ट, प्रिया कह रहे हैं फर्स्ट, रीत महाजन सेकंड, नहीं, सरबत दा भला मंगो, सरबत दा मतलब सब दा भला मंगो, निश्चय वाचक, ठीक है जी, पता नहीं किंदा किंदा, पता नहीं प्रिया दा मंगी आंदे है, रंजीत दा मंगी आंदे है, लवप्रीत दा, क्या सारिया दा मंगी आंदे है, पहली ऑप्शन, ठीक है जी, इनका की आ जाएगा अपने को ले, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 40 दी फर्स्ट ऑप्शन सब दी सही है जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन लगाई है। जेड़े शब्द पड़नाव हुंदिया होया भी योजक वांग वाका नू आपस दे विच जोड़न, उन्हां नू केड़ा पड़नाव कहा जाता है, 41 दा, 41 दा, अच्छा दे दिता प्रिया ने आंसर, दे दिया रजनी ने, दे दिया सिमरन ने, दे दिया 41 दी सी ऑप्शन, ठीक है जी, सिमरनजीत ने दे दिया, क्या हो गया, रुके रुकना नहीं, पूरी एनर्जी रखो, ठीक है, 41 दा सी ऑप्शन, तुहानू लगता है मेरी एनर्जी घट है, मैं सवेरे 4 बजे की क्लास लाने लगी हाँ, अज तो चलो 4 दी सी मिस की सी, ठीक है, सी ऑप्शन, 41 दा सी ऑप्शन, 42 दा सूरज शब्द दा सही लिंग दसो, हाँ सूरज शब्द दा सही लिंग दसो, 42 दी डी ऑप्शन, क्या बात है, सुरजीत दा आंसर सब तो पहले आ गया, ठीक है, इन्ना विचो कोई नहीं, इन्ना विचो कोई नहीं, 43 दा सूरज दा कोई लिंग नहीं हैगा, जेड़े शब्द गिनन योग चीजा दे समूह जा इकट्ठ नु दर्शन उन्हां नु केड़ा नाम कहने हन, चलो जी केड़ा कहने हैं, 43 दा, अमन दा आंसर नहीं आया, अमन दा आंसर दी गया, क्या बात है, देखो अमर, अमन तुम्हारी उम्र कितनी लंबी होगी, मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हारा आंसर सामने पड़ा था, एक झलक इधर मारी तो तुम दिख गए, 43 दी दूजी ऑप्शन सबदा सही है, 44 दा उत्तम पुरख चुनो, दसो जी इन उत्तम पुरख, पहला पुरख चुनो, हाँ 44 दा, 44 दा पहला पुरुष चुनो, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, मैं मेरा साडा, हाँ सही है जी सुरजीत जी, बिल्कुल सही है, 44 43 नंबर सुरजीत थोड़ा बिल्कुल सही है, 44 ते आओ, 44 ते उत्तम पुरुष चुनो, हाँ अच्छा क्या बात है, तुसी 45 दा आंसर भी दे जा रहे हो, जेड़े परिणाम किसी चीज का अंदाजा दसन गिनती ना दसन, केड़े परिणाम होंगे हन, 45 दा क्वेश्चन नंबर, 45 दा सबने आंसर दे ही दिता, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं बोलिया सी अजे, डी ऑप्शन, ठीक है जी, चलो कुछ 45 क्वेश्चन सीगे, थैंक यू सो मच।